नेक्स्ट वी हैव दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ना. ये स्मॉल एम एक और ये कैपिटल एम मास की फैच है. स्मॉल एम को मैंने एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखा है और यहाँ से फिक्स्ड है. ठीक है, तो आपको स्मॉल एम एंड कैपिटल एम के एक्सेशन फाइंड करना है. एक्सेशन ऑफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम. कैपिटल एम इज मास ऑफ वेज. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. ऐसे मैं आपको बता दूं यार, ये प्रॉब्लम आपको मिलेगी ज़रूर सिंगेज में, हर जगह मिलेगी प्रॉब्लम. बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है एक्चुअली. ये प्रॉब्लम ये रोडो से है, रोडो की बुक से है दिस प्रॉब्लम है ना, स्मॉल एम कैपिटल एम. तो अब आपको अपने आप ट्राई करना है. मैं कुछ आपको हिंट दे रहा हूँ. ठीक है, स्मॉल एम नीचे आएगा और कैपिटल एम पीछे जाएगा. ठीक है, तो कैपिटल एम की इक्वेशन तो आपको पता है कि कैपिटल एम पीछे आ रहा है तो उसकी एक इक्वेशन बनेगी इस डायरेक्शन की. स्मॉल एम की दो इक्वेशन बनेगी, कौन कौन सी? अलॉन्ग द इंक्लाइंड एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड. ठीक है, तो देखते हैं भाई, एफ बी डी बनाते हैं, एक्सेशन का रिलेशन देखते हैं क्या है. तो स्मॉल एम का एफ बी डी तो आप सब बना दोगे. दिस विल बी एम जी, दिस विल बी टी एंड दिस विल बी नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, एम जी टी एंड एन, थ्री फोर्सेस बनेगी है ना. और वेज का देखते हैं, इक्वेशन कहाँ लिखूंगा यार, फिर मैं चलो यहाँ लिखता हूँ मैं वेज का. यहाँ बनाते हैं, थोड़ी जगह छोड़ देंगे. ये रही वेज है ना. वेज पे देखते हैं कौन कौन सी फोर्सेस आएंगी. एक नॉर्मल एक्शन आएगी फ्रॉम ग्राउंड एन डैश, और यहाँ पे एक नॉर्मल एक्शन ऐसा आएगी एन, और दिस पुली इज अटैच्ड विद द वेज. तो ये इसका पार्ट हो गया, दिस पार्ट ऑफ वेज, पुली अटैच है ना, तो वी कैन कंसिडर इट पार्ट ऑफ वेज. तो ये देखिए ऐसा टेंशन टी आ रही है, दिस टी ओके एंड दिस टेंशन टी ऐसे. ठीक है, ये वेज का एफबीडी हो गया. तो देखो आपने एफबीडी सही बनाया नहीं बनाया. ठीक है, अब अज्यूम करिए कि ये ए एक्सेशन से पीछे जा रही है. अब एफबीडी बन गया, अब एक्सेशन की बात करते हैं. ठीक है, दिस वेज इज मूविंग विद एक्सेलेरेशन ए. तो सोचो भाई इस ब्लॉक का एक्सेशन कितना होगा. अब वीडियो पॉज करके सोचिए, व्हाट इज एक्सेशन ऑफ दिस स्मॉल ब्लॉक एम. देखो अगर ये ए से आगे जाएगा है ना, तो ये पुली मतलब वेज आगे जाएगा तो पुली भी आगे जाएगी, तो पुली भी ये ए से आगे जा रही होगी. तो आप मुझे बताओ, जो ये पुली आगे जाएगी तो ये स्ट्रिंग यहाँ से क्या करेगी? स्लैक कर जाएगी. और स्लैक करने के बाद किसको मिलेगी? वहाँ से लूज होगी, इसको मिलेगी ए एक्सेशन से. तो इफ एक्सेशन ऑफ वेज इज ए टुवर्ड्स लेफ्ट, देन एक्सेशन ऑफ ब्लॉक ए इज, एक्सेशन ऑफ ब्लॉक एम इज ए अलोंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेज. बहुत सीधी सी बात है यार, कोई भी बता सकता है कि वेज आगे जाएगी तो यहाँ से रस्सी लूज होगी, वो रस्सी इसको मिलेगी. ठीक है, ये तो मैंने रस्सी का इफेक्ट देख लिया है स्मॉल एम पे, कि वहाँ से रस्सी लूज हो रही तो उसको मिल रहा है. लेकिन आपको पता है कि जो स्मॉल एम है ये वेज पे भी है, तो अगर ये वेज पे भी है तो आपको पता है कि इस पे वेज का एक्सेशन भी काउंट होगा. तो प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह हो गया. तो बेसिकली इसके पास दो एक्सेशन है, कौन कौन से? ये एक्सेशन इसका ए हो गया. ठीक है, और तो इसके दो एक्सेशन है, ए इधर रस्सी के लूज होने से और ए पीछे की तरफ जो ये इंक्लाइन के साथ जा रहा है. ठीक है, अब आपको क्या करना है? देखो इक्वेशन सही लिखना और आपकी इक्वेशन मेरे से मैच करनी चाहिए. ठीक है, आप इक्वेशन लिखोगे इस ब्लॉक की अलोंग द इंक्लाइन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, और इसकी इक्वेशन लिखोगे इस डायरेक्शन में. ठीक है, और इक्वेशन लिख लिया आपने तो आपका काम हो गया. तो चलो वीडियो पॉज करो और इक्वेशन लिखो और फिर आप मैच कराओ. मैं वेज की शुरुआत करता हूँ, अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर. तो आप भी अलोंग द इंक्लाइन लिखिए पहले, फिर परपेंडिकुलर टू. ठीक है, इसका एक्सेलेरेशन भी देख लें यार, एक काम तुम्हारा अधूरा रह गया. व्हाट अबाउट एक्सेलेरेशन ऑफ दिस ब्लॉक? मैं यहाँ बना देता हूँ. तो
इस ब्लॉक के पास कितने एक्सटेंशन है, एक तो ये रहा ए एंड एक ये रहा ए, दिस एक्सटेंशन ए, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस विल बी ए कॉस थीटा एंड दिस विल बी ए साइन थीटा, ठीक है। तो चलो इसकी इक्वेशन लिखते हैं। व्हाट अबाउट दिस, दिस विल बी एम जी साइन थीटा एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस विल बी एम जी कॉस थीटा एंड दिस टेंशन टी। पहले अलोंग इनक्लाइंड की इक्वेशन लिखते हैं, तो दिस इक्वेशन विल बी एम जी साइन थीटा एंड माइनस टी इज इक्वल टू एम, और एक्सटेंशन कितना आएगा देखिए आप, ए नीचे और ए ऊपर, तो दिस विल बी ए माइनस ए कॉस थीटा। क्लियर? व्हाट अबाउट दिस डायरेक्शन, दिस इज एम जी कॉस थीटा एंड दिस इज एन एंड अलॉन्ग दिस डायरेक्शन यू हैव एक्सटेंशन ए साइन थीटा, तो इक्वेशन विल बी एम जी कॉस थीटा माइनस एन इज इक्वल टू एम एंड ए साइन थीटा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी और मेरी इक्वेशन मैच कर रही होंगी, ठीक है। एम जी कॉस थीटा माइनस एन इज एम ए साइन थीटा, इसकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट वेज, अब वेज को पकड़ते हैं, वेज कहाँ जा रही है, वेज इधर जा रही है एक्सटेंशन से, वर्टिकल में छोड़ते हैं, बैलेंस नहीं करना हमें। तो देखो यार बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड से फोर्सेस हो गए, ये एन हो गया सबसे पहले, तो एन का कॉम्पाउंड इधर देखना पड़ेगा, इधर कौन कौन है बोलो, एन डैश तो है नहीं, ये एन गड़बड़ कर रहा है तो मुझे एन का कॉम्पाउंड इधर निकालना पड़ेगा, टी तो उधर ही है, ये टी डैश, ये वाला टी गड़बड़ कर रहा है तो इसको भी मुझे इधर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज एन, दिस एंगल इज थीटा, दिस विल बी थीटा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो दिस कॉम्पोनेंट, ये इक्वेशन लिख लूँगी आपने, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बना देता हूँ इस डायग्राम को, ठीक है, इससे आपको, चलिए मैं दोबारा से बना देता हूँ साफ साफ, ठीक है। इसको इसकी इक्वेशन लिखनी है मैं, है ना, ये वेज पे ऐसे पुली है एंड दिस पुली, दिस टेंशन टी, ओके, एंड दिस नॉर्मल एक्शन एन एंड दिस टेंशन टी, इट्स वेट एम जी इन डाउनवर्ड एक्शन एंड दिस एन डैश, मुझे इधर की क्वेश्चन लिखनी है, तो प्लीज़ भाई कट कॉपी पेस्ट मत मारो, अपना काम करो और फिर मेरे से मैच कराइए। तो दिस इज एन थीटा, दिस विल बी थीटा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, जो 90 माइनस थीटा, तो दिस कॉम्पोनेंट विल बी एन साइन थीटा, दिस इज एन साइन थीटा, और ये एन साइन थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना होगा, दिस विल बी एन कॉस थीटा। टी दो उसी डायरेक्शन में, इसको टच नहीं करते हैं, ये वाला टी गड़बड़ करते हैं, ये टी पीछे खींच रहा है इसको, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, दिस विल बी टी कॉस थीटा, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस विल बी टी साइन थीटा। वर्टिकल में बैलेंस कर सकते हो, वर्टिकल में काफी इक्वेशंस बनेंगी, एंड कॉस थीटा नीचे की तरफ, टी साइन थीटा नीचे की तरफ, और ऊपर एंड डैश, और नीचे एम जी, तीन फोर्सेस नीचे हैं, एंड कॉस थीटा नीचे, टी साइन थीटा नीचे, एम जी नीचे, उन सबको एंड डैश बैलेंस कर रहा है। फ्रिक्शन में जरूरत पड़ेगी हमें, बट अभी नहीं पड़ेगी तो छोड़ते हैं इसको, हमें आगे की फोर्सेज देखनी, तो आगे कौन कौन सी फोर्सेज है, हियर वी हैव एन साइन थीटा एंड हियर वी हैव टी इन फॉरवर्ड एक्शन एंड दिस टी कॉस थीटा इन अपोजिट डायरेक्शन, सो इक्वेशन बनेगी एन साइन थीटा प्लस टी माइनस टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए एंड दिस इज कैपिटल एम ए। दिस इक्वेशन थर्ड, दो मैंने पहले लिखी थी, ठीक है, इन वन टू थ्री को आप सॉल्व करना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन सॉल्व कर लेना यार, मैं आप लोगों से आंसर भी मांगूंगा, देख लेना आप, वीडियो देख रहे हो आप, कल आपसे सारे जितने मैंने क्वेश्चन अधूरे छोड़े ना, ये सारे मैं आप लोगों से मांगूंगा, आपको सारे आंसर सबमिट करने होंगे, ठीक है। चलिए देन वी हैव अनदर, दिस प्रॉब्लम इज वेरी वेरी
इजी प्रॉब्लम, इतनी भारी करा दी है, एक इजी प्रॉब्लम देखते हैं। आपको ट्राई करनी है दिस पुली, मास स्मॉल एम, दिस मास कैपिटल एम, ठीक है, एंड ये ब्लॉक ऐसे जा रहा है, दिस फोर्स एफ, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। हमें एक्सेशन फाइंड करना है कैपिटल एम का एंड स्मॉल एम का, दोनों का एक्सेशन फाइंड करने में, ठीक है। तो स्मॉल एम ऊपर जाएगा, ठीक है। तो चलो एज्यूम करते हैं कि कैपिटल एम का एक्सेशन ए आगे की तरफ है और ये ऊपर जा रहा है बी एक्सेशन से इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो व्हाट इज ए, एक्सेशन ऑफ ब्लॉक, व्हाट इज अ स्मॉल, व्हाट इज अ स्मॉल बी, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक, ये उसके रिस्पेक्ट में बी से ऊपर जा रहा है, ठीक है। और आपने एफ फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। ट्राई करो इक्वेशंस बनाओ उल्टी सीधी, फिर मैच कराओ मेरे से, ठीक है। देखते हैं यार कैपिटल एम पे कौन कौन से फोर्सेज हैं। अगर आप कैपिटल एम का एफबीडी बनाते हो तो पुली इस फिक्स, तो पुली को इसका पार्ट मानूंगा, ठीक है। दिस पुली इज पार्ट ऑफ दिस वेज, ओके, दिस दिस ब्लॉक, दिस पुली अटैच्ड। बताइए पुली पे कौन कौन से फोर्सेस हैं, एक टेंशन नीचे की तरफ, एक टेंशन आगे की तरफ, दो फोर्सेस हो गए। और ये ब्लॉक इसके साथ चिपक जाएगा, समझे, जब ये आगे जाएगा, ये बड़ा ब्लॉक आगे जाएगा तो छोटे ब्लॉक को धक्का मारता हुआ अपने साथ ले जाएगा। छोटे ब्लॉक पे एक नॉर्मल एक्शन आएगी आगे की तरफ, छोटा ब्लॉक इधर नॉर्मल एक्शन लगाएगा, दिस विल बी नॉर्मल एक्शन एन। वर्टिकल की यार जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बट हमें दिखाना है वीडियो में, दिस इज एम जी एंड दिस इज एन डैश, ये इसकी कहानी हो जाएगी। छोटे ब्लॉक को पकड़ते हैं, ठीक है, कौन कौन से फोर्सेस हैं, एम जी, ओके, एंड नॉर्मल एक्शन एन, ठीक, दिस टेंशन टी, इतनी फोर्स होंगे इस पे एन टी और एम जी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसको कौन आगे ले जा रहा है, इसको T माइनस एन इज एम ए, नहीं देखो ये टेंशन आगे और नॉर्मल पीछे, T माइनस एन इज एम ए, और कोई फोर्स तो है ही नहीं यहाँ पे, इसको कौन आगे ले जा रहा है, ये भाई ये ब्लॉक भी तो अगर इसके साथ चिपका होगा तो ब्लॉक आगे जाएगा ना इसके साथ, इस ब्लॉक के पास दो एक्सटेंशन है, ये इससे आगे जा रहा है, B से ऊपर जा रहा है, ठीक है। क्या क्वेश्चन बनेगी, एन इज स्मॉल एम ए, नॉट स्मॉल एम ए, हाँ ठीक है स्मॉल एम ए, ये इसके साथ चिपक के चलेगा, ये ए से जाएगा तो उसको धक्का मारता हुआ ये भी ए से ले जाएगा, तो ये आगे जाएगा साथ में ऊपर भी चढ़ रहा है, ठीक है, ये इक्वेशन हो गई, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट बी, बी भी फाइंड करना है, तो देखते हैं टी माइनस कितना एम जी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू एम इन टू बी, ठीक है। थ्री इक्वेशन हो गई, सॉल्व कर देना, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। अब शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट क्या है यार, जब आप किसी डायरेक्शन फोर्स अप्लाई करते हो है ना, तो वो फोर्स पूरे सिस्टम को आगे एक्सेशन देता है, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको एक सिस्टम मान लूँ तो उसका मास कितना होगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, इनको आगे कौन खींच रहा है, एक फोर्स है कैपिटल एफ, नहीं, तो जो इन दोनों का आगे की तरफ एक्सेशन आएगा, इसका और सेम आएगा, मुझे पता है कि इसके साथ चिपक के चलना है इसको, तो इसका एक्सेशन ए होगा तो इसका भी ए होगा, एक्सेशन सेम आएगा, तो मैं सीधे बोलूंगा यार इसमें इतना लफड़ा मत करो, एफ को लिख दो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इन टू ए, बस
बी का कोई मतलब नहीं क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देख रहा हूं। क्लियर? तो यहां से सीधे ए की वैल्यू आ जाएगी। अब ये बताओ इसको ऊपर कौन खींच रहा है? क्यों इसको ऊपर कौन खींच रहा है? इसको ऊपर खींच रहा है एफ। तो बस इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? जिसकी जो ऊपर इक्वेशन बनेगी वो टी माइनस एम जी से में। और जब आप किसी उसको डायरेक्टली पुल करते हो, आपको पता है ना, जब आप किसी रस्सी को डायरेक्टली पुल करते हो तो वो टेंशन बन जाती है। तो ये एफ है तो यहाँ भी एफ आएगा, एम जी नीचे, तो बस एफ माइनस एम जी इज इक्वल टू एम बी। खत्म क्वेश्चन। तो ये जरूरी कि हर जगह एफ बी डी बना के सॉल्व किया जाए, कभी कभी सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट भी लगा देते हैं। मुझे पता है कि कैपिटल एम का एक्सप्रेशन ए है, स्मॉल एम का भी ए है, पूरा सिस्टम एक मान लेते हैं कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, दिस फोर्स इज एफ, ये इसको आगे खींच रहा है और कोई सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं है, जो भी है सब इंटरनल फोर्स है, इनको भूल जाओ आप। इन्होंने देखो बॉक्स में बंद कर दिया पूरे को, बस एफ इज एम प्लस एम इन टू ए और एफ एस एम जी इज एम बी। ठीक है, लास्ट दो प्रॉब्लम, यू कैन टेक रेस्ट, आप रेस्ट ले सकते हो। दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, तो इनको देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। चलिए इनको मैं अच्छा नेक्स्ट स्लाइड में कवर कर लेता हूँ। ठीक है।